नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त रवि पासवान आप लोग के अपने ही चैनल अवर वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुशल मंगल। जी हाँ दोस्तों, 8 सितंबर 2019 3:35:24 पर यह ट्यूटोरियल रिकॉर्ड किया जा रहा है। मित्रों, आज हम अपने 17वें ट्यूटोरियल के यानी 17th ट्यूटोरियल के सिलसिले में आप लोगों से मिल रहे हैं। आप लोगों से जी हाँ पहले की तरह फिर से गुजारिश कि आपको अगर हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है और आपको लगता है कि उपयोगी है, दोस्तों में वितरित करनी चाहिए, तो इसे शेयर भी कीजिए और अप्रिसिएशन हेतु सब्सक्राइब तो किया ही है, उसके लिए लाइक भी कर दीजिए अगर आपका दिल करता है तो। उससे आपकी प्रतिक्रिया ऑन द स्पॉट आ जाएगी, क्योंकि बहुत लोगों को कमेंट करने में दिक्कत होती है। गूगल कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, कमेंट होने में प्रॉब्लम होती है। लाइक डिसलाइक ही बता देगा कि कमियां क्या थी। फिर भी डेस्कटॉप का यूज़ कर रहे हैं तो भी डेस्कटॉप पे वीडियो एंजॉय करते हैं, या आपका मोबाइल कमेंट करने में सक्षम है तो कमेंट भी प्रत्यक्ष रूप से कीजिए, जैसे कि प्राय हम लोग को कई लोग करते रहते हैं। हम अपने सब्सक्राइबर का नाम लेंगे, जैसे कि हमें कमेंट में उमा ने कमेंट किया था, सब्सक्राइबर में मिस्टर डॉक्टर साहब ने सब्सक्राइब किया। तो उम्मीद करते हैं इनके भांति आप भी सब्सक्राइबर हमारे बने, ताकि हमारे अगले आने वाले किसी भी वीडियो में आपका नाम भी लिया जाए। या दोस्तों, एहसान कभी नहीं भूलना चाहिए किसी का भी। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, लेकिन उससे पूर्व हम आपको बता दें, आज जो जिस विषय पे आज हम ट्यूटोरियल लाए हैं वो ट्यूटोरियल प्रथम बार ही शूट किया जा रहा है हमारे चैनल पे। हमारे सहयोगियों ने बताया है कि इस तरीके का ट्यूटोरियल अन्य कहीं किसी भी यूट्यूबर द्वारा उनके किसी भी चैनल पे शूट नहीं किया गया। दोस्तों, हम जॉस की एक अनोखी सीरीज शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को ये मालूम ही है कि हमारे विभिन्न संस्थाओं में कंप्यूटर की ट्रेनिंग होती है। कंप्यूटर की ट्रेनिंग बहुत 3 माह 6 महीने या 1 वर्ष की होती है। 1 वर्ष में एडवांस कोर्स यानी उसमें लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है, किंतु सभी में एक करिकुलम या सिलेबस के पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक चीज विधिवत होती है, वो है 15 दिन की टाइपिंग और डायरेक्ट कंप्यूटर का शुरुआत, वो भी वर्ड प्रोसेसर के एडिटिंग द्वारा यानी MS वर्ड या नोटपैड वर्डपैड। लेकिन जॉस के विषय में कोई कुछ नहीं बताता, सिर्फ कमांड्स थोड़ी बहुत रटाई जाती है, जैसे कि सिलेक्शन कमांड, नेविगेशन कमांड, रीडिंग कमांड, फॉन्ट पैराग्राफ आदि की रिपोर्टिंग, टाइटल ये सब देखना और कर्सर पोजीशन थोड़ा बहुत। किंतु दोस्तों, हम जॉस की एक अनोखी सीरीज शुरू कर रहे हैं। जॉस आखिर 600 MB के जॉस इंस्टॉल होकर के 1 GB के हमारे कंप्यूटर पे बन जाते हैं। इनमें दुनिया भर के फीचर्स हैं। NVDA प्राय इसके अपेक्षा छोटा होता है, उसके फीचर कम है क्योंकि वो विंडो के ही प्रोग्राम पे आधारित होता है। इसमें विभिन्न लैंग्वेजों का मिश्रण है, किंतु NVDA बेसिकली पाइथन लैंग्वेज पे ही बेस्ड है। लेकिन हम यहाँ पर किसी भी स्क्रीन रीडर की तुलना किसी से नहीं कर रहे हैं, दोनों ही बेहतर है और सहूलियत के अनुसार दोनों इस्तेमाल करना चाहिए। और आज के ट्यूटोरियल में हमारे दोनों थोड़ा थोड़ा शामिल भी होंगे, लेकिन समय की कमी है दोस्तों, थोड़ा स्पीड में बताएंगे, समझने का प्रयत्न कीजिएगा। फिर भी कोशिश ये करेंगे कि आपको पूरा समझाया जा सके। तो देरी ना करते हुए आज का पहले तो टॉपिक आप लोग को बता देता हूँ। आज हम लोग टॉपिक में सीखेंगे रॉ हेडर। जी हाँ, एक चुनौती भरा कार्यक्रम है ये, जो व्यक्ति खासतौर पे फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहा है उसके लिए तो है ही। होता क्या है, करते क्या है, ये समझने का प्रयत्न करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आइए चलिए ट्यूटोरियल की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले उसकी भूमिका मैं आपको बता रहा हूँ, जो विदाउट डेमोस्ट्रेशन है। उसके बाद इसका डेमोस्ट्रेशन भी इसी वीडियो में अवेलेबल है। आप नहीं सब्सक्राइब करते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आपको ना सब्सक्राइब करने की भी छूट दी गई है। उसके लिए रहमो करम, आपको इतना ही करना है, जो सब्सक्राइब काउंट कर लिया जाएगा। आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप या फिर नोटबुक पर यह ट्यूटोरियल देखते समय फास्ट फॉरवर्ड बटन का इस्तेमाल ना करें, कम से कम धैर्य बनाए रखें, पेशेंस के साथ वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें। दोस्तों,
यही हमारी गुजारिश है, क्योंकि डोनेशन काउंट करता है अपेक्षाकृत सब्सक्राइबर के होने के बावजूद भी। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं ट्यूटोरियल की ओर। एमएस एक्सेल थ्रू जॉस, आइए आज हम सीखें कि जॉस में कॉलम और रॉ के लिए हेडर कैसे लगाएं। लेकिन सबसे पहले ये जान लें कि इसकी आवश्यकता क्यों है। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी एमएस एक्सेल की सीट है जिसमें रॉ में कुछ लिखा है हेडिंग डली है जिसे A1 में नाम, B1 में पिता का नाम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, C1 में माता का नाम, D1 में जाति, E1 में हाउस नंबर आदि कुछ बातें लिखी हैं। और आपको यही डेटा नीचे तक यानी A100 तक भरना है। इसमें यही होता है कि जब हम डेटा भरने लगते हैं तब बीच के रोज में क्या लिखा है ये पता ही नहीं चलता। उसे हमें फिर से ऊपर की ओर जाके हेडिंग चेक करनी पड़ती है। इस प्रकार हम हेडिंग को भूल जाते हैं, फिर हमें ऊपर की ओर जाकर देखना पड़ता है कि आखिर लिखा क्या है। ऊपर वाली रो में था क्या? बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने। समस्या से निपटने के लिए, इस प्रकार की समस्या से निपटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रॉ एंड कॉलम हेडर का। यह कैसे करेंगे चलिए जानते हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर एक, सबसे पहले अपने रॉ के फर्स्ट कॉलम तक पहुंचे। Command bar E X C Microsoft Excel enter to move through items press up or down arrow leaving menus start menu opening dash Microsoft Excel please wait blank tab blank tab blank O tab, JAWS Home, O tab, Desktop, O tab, Report, O tab, Microsoft Excel dash Book 1, please wait, Microsoft Excel, Book 1, Sheet 1, Add Custom Summary, Blank, C1, Blank, B1, Blank, A1. अब देखिए हम A1 पे आ गए हैं दोस्तों, ठीक है, उसने बोला है कि भाई पहले पहुंचना है, तो पहुंच गए हैं, फर्स्ट कॉलम पे पहुंच चुके हैं, A1 में नेम, तो A1 में हमारा नेम लिख लेते हैं, पहले जो प्रीवियस टेबल बताई गई लिख लेते हैं NAME टैब ब्लैंक B1। अब मैंने टैब कर दिया, B1 में चला गया। और उसी प्रकार से हम पूरा टेबल भर देते हैं ये, और हम नीचे तक तो नहीं जाएंगे दोस्तों, लेकिन कहीं कहीं तक इसको लिख के रखेंगे, ठीक है, ज़्यादा तो नहीं लिखेंगे लेकिन थोड़ा बहुत लिखेंगे।
उसके बाद माता का नाम लिखते हैं, मदर नेम। MOTAER space NAME tab lang C1 FATAER space NAME tab lang D1 PHONE space NUMBER phone number tab lang E1 HOUSE space NUMBER house number। ठीक है, यहाँ तक रहने देते हैं। अब मैं वापस A1 पे ही पहुंच गया हूँ। होम पे पहुंच गया। अब करना क्या है देखते हैं। नंबर दो, ओल्ट की का बटन दबाएं और फार्मूला टैब तक पहुंचें, या फिर ओल्ट एम दबाएं। ओल्ट एम करते हैं। ओल्ट एम Virtual ribbons, formulas tab to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. Number 3. फिर उसके बाद down arrow key की सहायता से define name तक पहुंचे, या फिर alt के साथ double M दबाएं। एक बार एम दबा के देख लेते हैं कि होता है कि नहीं। नहीं आया। Escape, leaving menu bar. कोई बात नहीं। Alt M, M. Tab, some split button, press enter. Escape, virtual escape, leaving menu bar, name A1. Alt M, virtual ribbons, form M. Define name submenu to move through the can. आ गया है दोस्तों। ठीक है, चार, उस पर स्पेस बार कर दें। कर देता हूँ। Space name manager button to move through the controls on this ribbon. Use tab or shift tab or use the arrow keys. पांच, फिर आपको न्यू नेम का विकल्प मिलेगा, तो हम न्यू नेम का विकल्प तलाशते हैं। Define name dot dot name manager define name split button as pop use and formula create from selection name manager button to define name dot 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 split button press enter or space bar for more options space menu lower ribbon define names group box define name split button alt followed by M M D apply names dot dot define name apply name define name dot 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 alt followed by M M D apply names define name dot 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 alt follow enter leaving menus new name dialog name colon edit name type and text हम define name में गए और उसके बाद उसमें space किया है दोस्तों, और उसके बाद define name dot 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 वाला split जो मिला उसपे हमने enter कर दिया। ठीक है, अभी है एक edit box है, देखते हैं आगे की क्या रूपरेखा है। यहां पर कुछ नाम लिखें, उदाहरण के लिए टाइटल डॉट 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 ई वन, तो टाइटल डॉट 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 ई वन, तो मेरा तो डेटा डी वन तक ही है, तो मैं टाइटल डॉट 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 तीनवा डॉट डी वन लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये लिख दिया मैंने टी, हमने इसको उसमें ये लिख दिया है। इसमें तीन बार फुल स्टॉप लगाने के बाद अपने आखिरी सेल का एड्रेस लिखें, जो कि हम लिख चुके हैं छः। फिर उसके बाद चार दफ़े टैब की करके ओके बटन तक पहुँचे और उस पर एंटर कर दें। चलिए, टैब टैब कमेंट कोलन टैब टैब ओके बट स्पेस नेम ए वन, लेकिन एंटर भी कर सकते थे। अब आप किसी भी रो में दाएं बाएं व
आपको ऊपर वाले रो कॉलम हेडर को बताएगा। तो अब देखते हैं एक बार, मैं डाउन कर लेता हूँ तो पता लग जाएगा बता रहा है कि नहीं। मान लीजिए कि A2 पे अगर आ गया, कुछ नहीं बोला, लेकिन चलिए एक बार लेफ्ट रो कर लेता हूँ, राइट रो कर लेता हूँ। देखिए हमारा B2 में मदर नेम था, अब मैं लेफ्ट रो कर लेता हूँ। अब ऊपर वाला कॉलम देखिए अप एरो से, ठीक है, यहाँ नेम ही है। अगर हम टैब से भी चलते जाएं, देखते हैं, टैब करते हैं, मदर नेम, अब अगर मैं यही प्रैक्टिकल लेफ्ट रो से पीछे आ गया, बहुत नीचे तक चले जाऊँ, मान लो ए नाइन पे चला गया। अब मैं ए नाइन पे चला गया, मुझे तो पता ही नहीं कि ए वन पे है क्या, क्या भरना है, हम दुविधा में आ गए। तो कैसे देखेंगे, एक बार राइट कर लेते हैं। बी नाइन यानी बी वन पे जो हमारी हेडिंग है यानी मदर की हेडिंग है, पक्का है, तो यहाँ पर नेम ए नाइन हो गया, ठीक है। तो ये है, इस प्रकार से हम इसे देख सकते हैं, ठीक है। रो हेडर सेट करने के लिए भी, रो हेडर सेट करने के लिए क्या प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया है, बस उसमें डेटा ऊपर से नीचे की ओर लिखे जाएंगे, जैसे ए वन से ए फाइव तक लिखें और फॉर्मूला टैब में जाकर डिफाइन नेम में टाइटल डॉट 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 ई फाइव लिखें। इसमें शुरुआती सेल में अपने कर्सर को रखें। तो रो का भी आप ऐसे सेट कर सकते हैं, मान लीजिए कोई रो कहे, अगर रो के हिसाब से भी बनाना हुआ तो हम उसे ऐसे ही बना सकते हैं। मैं एक बार आपको रो का भी जल्दी से प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए एक्सेल बंद ही कर देता हूँ, ठीक है। अब कमांड एक्ससी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंटर, लीविंग मेन्यूज प्लीज वेट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 1 शीट 1 एज कस्टम समरी लैंड ए1। मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया एन ए एन ई नेम, डाउन एरो करता हूँ, लैंड ए2, ए2 में लिख देता हूँ एफ ए ए ई आर स्पेस एन ए एन ई द नेम, लैंड ए3, ए3 में मदर एम ओ टी ए ई आर स्पेस एन ए एन ई द नेम, लैंड ए4, ए4 में लिख देता हूँ A D D R E S S address land A5, और A5 में P H O N E space N U M B E R phone number land A6, A6 में कुछ नहीं लिखते, phone number address mother father name A1। तो उसके अनुसार पहले हमें पीछे आना था, जो कि सेल की शुरुआती पे पहुंचना था, सो हम पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। जैसा भाई उसमें है कि हमारे ट्यूटोरियल में कि हमें उसके ऊपर आना है, तो ऊपर हम आ चुके हैं। अब हम फार्मूला टैब में जाते हैं, तो ओल्ड के साथ डबल एम प्रेस करूँगा और थोड़ा इंतजार करूँगा, जॉस थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है। Lower ribbon function library submenu to move calculations function define formula define name submenu to move through name manager button to move through name list define name dot 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 split yeah, button define name dot 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 split button enter menu lower ribbon define names group box define name split button alt followed by mmd apply names dot 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 available alt define name dot 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 alt followed by mm enter menu yep. एक बार डाउन एरो पे रुक किया था मैंने कंफर्म करने के लिए, अब यू न्यू नेम डायलॉग आ गया। अब मैं यहाँ बैक स्पेस से थोड़ा मिटा लेता हूँ, नहीं मिटाओगे तो कोई बात नहीं, कुछ लिखो तो लिखो और ए फाइव स्पेस कर दिया। अब मैं एक बार बी वन पे जाता हूँ, देखता हूँ क्या होता है, कुछ नहीं हुआ, अभी डाउन एरो करता हूँ, देखिए यानी B1 पे फादर नेम, फादर नेम A2, लैंड B2, डाउन एरो करते हैं, मदर नेम, लैंड B3, एड्रेस, लैंड B4, फोन नंबर, लैंड B5, लैंड B6, फोन नंबर, एड्रेस, मदर, फादर नेम, ठीक है।
इस तरह से दिखा रहा है। तो हम रॉ के भी सीध में जा रहे हैं नीचे से ऊपर से नीचे की ओर, तो हमें वो बता रहा है कि ये क्या है, किसमें क्या नहीं है, इस तरह से। अब इसी काम को हम NVIDIA से कैसे करेंगे, इसे जल्दी से समझ लेते हैं। Command E S E Microsoft Excel Enter Leave in Menus Microsoft Excel Please wait Microsoft Excel Book 1 Sheet 1 Ask अब मैं JAWS को बंद कर लेता हूँ। Insert F4 Unloading JAWS Quit JAWS Enter तुरंत Please wait Microsoft Excel Book 1 Sheet और अब हम चलाते हैं NVIDIA Taskbar Report Report Inform Microsoft Excel Microsoft Excel यहाँ पर लिखते हैं Name A-F-E A sheet one table B1. S A T A E R. A here space N A N E. Name sheet one table C N O T A E O space. E A T O M. M O T H E R mother space N A N E. Name sheet one table N O U S S N U M B E R number space. Sheet one table S A T T R E S S. Rest sheet one table address house mother father name prop B1. Name A1. अब यहाँ पर तो हमें फार्मूला टैब में जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं, NVIDIA वालों ने शॉर्ट बना दिया है दोस्तों। शॉर्ट क्या है, शिफ्ट इंसर्ट सी दबाइए प्रत्येक कॉलम तक जहाँ तक है वहाँ तक। अब वहाँ हम क्या कर रहे थे कि टाइटल डॉट 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 लिख के रेंज ही बता दे रहे थे कि लास्ट रेंज यहाँ तक है वहाँ तक हेडर सेट करो। अब यहाँ तक हमें जाना पड़ेगा, ई तक मैंने डेटा लिया है, E1 तक ABCD के क्रम में लेफ्ट से राइट की ओर, तो वहाँ तक हमें कंट्रोल सॉरी इंसर्ट शिफ्ट सी दबाना पड़ेगा। तो देखिए क्या बोलता है, सेट कॉलम हेडर हाँ। अब राइट अरो करता हूँ, फादर नेम के ऊपर भी यही अप्लाई करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट इंसर्ट सी चार्ली डॉट 14 राइट अरो, यहाँ भी शिफ्ट इंसर्ट सी शिफ्ट इंसर्ट सी Shift Insert C Set you want to start column headers Right arrow F1 नहीं यहाँ तो डेटा नहीं है कुछ जरूरत नहीं But press E1 House number mother father name A1 अब डाउन एरो से चेक करते हैं एक बार जाते हैं B2 A2 पे तो कुछ नहीं बोला एक बार लेफ्ट राइट कर लेते हैं B2 father name देखिए B2 पे father name है B2 name A2 name B2 father name father name C2 mother name mother name B2 house number पता है कि यानी D1 पे हाउस नंबर का उसकी सीध में ये है। अब हम कहीं दूर भी चले जाएंगे 156 D156 पे भी चले जाएंगे तो हमारे लिए दिक्कत नहीं होगी डेटा भरने में। ठीक है दोस्तों, जब बैंकिंग में लोग SCNPA की लिस्ट विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन उसकी कॉलिंग कर रहा होता है या फिर कोई फसल बीमा आदि की कुछ लिस्ट मिलती है ब्रांच जोन वाइज रीजन वाइज मिलती है और उनकी बैंक की सहूलियत के हिसाब से तथा उनके खुद के स्वेच्छा के आधार पर उन्होंने NVIDIA या फिर JAWS का चयन किया है या फिर वे दोनों स्क्रीन रीडर को यूज़ कर रहे हैं MS Excel से उनका रेगुलर पाला पड़ता है तो उनके लिए यह उपयोगी साबित हो सकता है, ये निष्कर्ष इसका है। तो धन्यवाद दोस्तों आपका हमारे इस ट्यूटोरियल में साथ देने के लिए। इस ट्यूटोरियल में कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। रिहर्सल में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी लेकिन कभी पर लाइव ट्यूटोरियल में थोड़ा बहुत व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ बने रहने के लिए। मैं यहाँ पर लेता हूँ आपसे अलविदा और एक्सेल बंद कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। अलविदा दोस्तों।